चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। पूजा बैंड कंपनी शुक्लागंज, मेरा नाम प्रेम शंकर शुक्ला, प्रोप्राइटर। देखिए, लॉकडाउन की वजह से बैंड का व्यवसाय या इससे जुड़े हुए जितने व्यवसाय हैं, बैंड से जुड़े वाले जैसे बग्घी वाले होते हैं, घोड़ी वाले होते हैं, आतशबाज के लोग होते हैं, बहुत तमाम सारे कलाकार होते हैं दुकान में, लाइट के लिए लेबर होती है, सबकी रोजी रोटी छिन गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 30 आदमी बारात के लिए जो है परमिशन दी है, उसमें बैंड व्यवसाय का कोई औचित्य नहीं है, ना बैंड व्यवसाय के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। बैंड व्यवसायी जितने भी हैं, कलाकार हैं, उनके श्रमिक हैं काम करने वाले, डीजे बजाने के कलाकार हैं, लाइट के कारीगर हैं, सारे सब बेरोजगारी के कगार पे हैं। उनका सारा काम ठप हो गया है और दुकानदार तो बहुत ही परेशान है, क्योंकि कलाकार लोग आते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, पैसा दीजिए, कुछ मदद करो। अब बैंड का व्यवसायी मदद तो करता है, कितनी कर पाएगा? जब व्यापारी ही नहीं चलेगा तो कितनी मदद कर लेगा? 100, 200, 500, 1000 रुपये दे सकता है, जो बचत किए हुए रखा है 10-20 हज़ार। भाई जितना पैसा मिलता है हम घर में दे देते, अपने लिए हमको तो लग रहा है भाई, जैसे आप अपना ये तो बैठा जाओ, हम तो डर नहीं लोग, हम पूरे को परेशानी है, हमका जो उठा के देते हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब काम नहीं कर रहे हैं तो दुकानदार से जब रुपया हम मांगते हैं तो जब उसने काम नहीं किया तो देगा कहाँ से, और जो ले लिया है तो अब ये तो आगे साल के लिए हम कैसे अदा करें? हम तो पिछड़ते चले जा रहे हैं, काम किया नहीं, पैसा एडवांस चढ़ गया, अब लेंगे तो ये कब खुलेगा, कैसे जीवन अपना, क्योंकि ताउम्र इसके अलावा मैंने कोई काम किया नहीं, ना ही सर पे बोझ ढोने काबिल हूँ। 70 साल की उम्र है, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, अब कुछ काम करना चाहें तो क्या करें, इतनी पूंजी भी नहीं, सारा जीवन इसमें बिता गया, तो हम तो बिल्कुल निराश हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हुए अधिकांश लोग जो है गरीब तबके के लोग होते हैं, और साहूकारों महाजनों से ब्याज पे पैसा लेकर अपना व्यापार करते हैं। अब ये व्यापार बिल्कुल उनका ठप हो गया है, तो ना तो वो कर्जा भर पाएंगे और कर्जे में डूबते ही रहेंगे। कर्जे की नहीं पूछूंगा, कर्ज ले करके काम चला रहा हूँ, बहुत कर्ज ले चुका हूँ। गंगाराम जी, हम भी रोड लाइट का काम करते हैं, रोड लाइट बराबर तो अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, इससे आपके ऊपर क्या असर आ रहा है? बहुत फर्क पड़ा सर इससे हमारे ऊपर, ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना कोई धंधा कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, जो रख इधर उधर से लेके काम चलाया भी है वो भी सब खत्म हो गया। अब तक आए मैं डीजे बजाता हूँ, अब तो बिल्कुल ही बेकार है, पहले तो सब कुछ चलता था, सब कुछ बढ़िया चलता था, अब तो वो भी नहीं है। इनकम में तो जो है 60% का फर्क पड़ा हुआ है। अभी तक जो सहालक हो गई, सर्दियों की सहालक थी वो हो गई, अब ये जहाँ पे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि साल के जो है बरातें जो है गर्मियों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि
यहाँ किसान वर्ग जाता है, अपनी फसलें काटता है, बेचता है, सब शादियाँ करता है। तो हम लोगों का तो जो है इसी तरफ जो व्यवसाय अच्छा चलता है। सर्दियों में तो जो है महानगरों में काम होते हैं, इसलिए हमारा जो है निवेदन है सरकार से कुछ इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिक मदद करने की कृपा करें। धन्यवाद।